I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? सब लोग उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की चाहती है कि वो रायबरेली रहे। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद रहेंगे या फिर केरल के वायनाड से? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। रायबरेली और वायनाड दोनों ही जगह राहुल गांधी जब अपनी जीत के बाद जनता का आभार जताने पहुंचे थे तो मीडिया की जुबान पर यही सवाल था, लेकिन राहुल के लबों पर इस सवाल का दो टूक जवाब नहीं था। आई हैव ए डायलेमा इन फ्रंट ऑफ मी। द क्वेश्चन इज, विल आई बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड और विल आई बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रायबरेली? फॉर मी इट्स वेरी इजी, आई जस्ट गो टॉक टू द पीपल एंड माय गॉड टेल्स मी व्हाट टू डू। आई विल कमिट टू यू इज दैट बोथ वायनाड एंड रायबरेली विल बी हैप्पी विद माय डिसीजन। हालांकि राहुल गांधी ने इतना भरोसा जरूर दिया कि ऐसा फैसला लूंगा जिससे रायबरेली और वायनाड की जनता खुश होगी, लेकिन वो फैसला क्या होने वाला है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। कयासों का बाजार गर्म है कि राहुल गांधी अगर वायनाड या रायबरेली कोई भी सीट छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से उम्मीदवार हो सकती है। खैर, अब राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी वायनाड से सांसद रहेंगे या रायबरेली से, इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि सोमवार को राहुल गांधी इसको लेकर ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इस बीच राहुल पर रायबरेली से सांसद रहने का दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसा ही चाहते हैं, इसके पीछे वजह भी बता रहे हैं। सब लोग उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की चाहती है कि वो रायबरेली रहें, क्योंकि रायबरेली पारिवारिक रिश्ता है, पुरखों का रिश्ता है और वो पुरखों का रिश्ता लगातार बरकरार रहे और उत्तर प्रदेश में वो काम करेंगे तो बहुत मजबूत उत्तर प्रदेश आने वाले 27-29 में मजबूत रहे। जी हाँ, जो बात अजय राय ने बोल दी हकीकत वही है। अजय राय यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो यूपी के लिहाज से सोच रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने भी सवाल आगे के चुनाव वाला ही है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, ठीक उसी तरह संभवतः 2026 में केरल में भी विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राहुल को कोई ऐसा फैसला लेना है जो सियासी लिहाज से कांग्रेस को दोनों ही राज्यों में कमजोर न करे।